Why this whole Ramadan I didn't put a cooking video, so I don't want to disappoint her. So मैं आज पिछले साल मैंने आपको मेरी बैठ गई नीचे. She doesn't want to be seen. पिछले साल मैंने आपको मेरी मटन बिरयानी की रेसिपी बताई थी. आज मैं आपको बनाते बनाते ही क्विक वे में अपनी वेज बिरयानी की रेसिपी बता रही हूँ जो मैंने अभी अभी शुरू की है. सो एक पतीले में तेल लेके 3 से 4 कटीरी प्याज आप लाल करना शुरू कर दें. और ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी घी में फ्राई किए हुए वेजिटेबल्स रखे हुए हैं. सो यू डोंट हैव टू मेक देम डीप फ्राइड, लेकिन आप उसे सौते फ्राई कर सकते हैं. देयर इज इसे क्या कहते हैं, फूलगोभी एंड गाजर एंड फ्रेंच बीन एंड मटर. ओके, सो ये ऑलरेडी मैंने घी में, रिमेंबर घी में फ्राई करके रखे हुए हैं. ये यहाँ पर मेरे लिए 3 बड़े टमाटर काट रही है और कैमरे से भाग रही है. सो या आई एम गोइंग टू डू दैट नाउ. वेजिटेबल बिरयानी है. दिस इज वेरी लास्ट मिनट गाइस, आई डिडंट प्लान टू डू दिस वीडियो एट ऑल. एज यू कैन सी मेरी मटन बिरयानी ऑलरेडी चढ़ चुकी है, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पेज पे है बाय द वे. मैंने शिरकुरमा भी बना लिया है. वो माशाल्लाह और वेजिटेबल बिरयानी बन रही है. तो आई जस्ट थॉट आई विल शेयर इट विद यू. ऑलराइट, सो हैंग इन देयर, इट्स गोना बी यम्मी. रिमेंबर के आप जब प्याज भून रहे होते हैं तो उसको चलाते रहिए, बिकॉज इट शुड नॉट बिकम काला फ्रॉम वन साइड एंड यू नो नॉन कुक्ड फ्रॉम द अदर साइड. तो उसे चलाते रहिए. एंड जब आप नॉन वेज बनाते हैं और वेज बनाते हैं, ये ज़रूर ख्याल रखिए कि वेज की जो आपकी करछी है वो आप नॉन वेज में ना डालें, और जो नॉन वेज में तेल इस्तेमाल किया है वो तेल बिल्कुल भी वेज का नहीं होना चाहिए. सो वो थोड़े किचन एटिकेट्स आपको याद रखने चाहिए, बिकॉज यू मस्ट यू नो रिस्पेक्ट द वेजिटेरियन गेस्ट. अगर आपके घर में वेजिटेरियन गेस्ट आ रहे हैं या आप किसी के घर में पहुँचा रहे हैं जो वेजिटेरियन है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा. And always keep like a plate handy आपके you know platform पे, तो आप करछी को इधर उधर ना रख रहे हो. You know, just keep it in one plate. Like that is the color you want your brown प्याज to be, and then you can put the rest of the masala, which is gas low कर दीजिए धीमी आंच पे. और मैं अभी डाल रही हूँ पीसी हुई कोथमीर और कैमरा तेरा हो चुका है बट आई कांट हेल्प इट राइट नाउ क्योंकि मेरा मसाला जल जाएगा. गैस लो करने के बाद इसमें आप 1/4 गड्डी ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द किचन, आई मीन फ्रॉम योर स्टोव if you get a little bit of thaska. Or 3 tomatoes. So, pisi hui kothmir aur hari mirchi, that means 4 se 5 hari mirchi depending on how teekha they are. Agar aapko zyada teekha chahiye to 6 bhi le sakte hain. Aur piece ke kothmir ek saath bhi tak kar sakte hain, alag alag bhi dal sakte hain. आप डाल दीजिए प्याज के अंदर.
2 बिग टेबल स्पून दही भी डालना है, क्योंकि मैं सिर्फ 1 किलो की बिरयानी बना रही हूँ तो मैं आपको उसका अंदाजा बता रही हूँ. ओके, 1 किलो वेजिटेबल बिरयानी, इट लुक समथिंग लाइक दिस. ओके, अब इसको आप आपको बिल्कुल उबालना है. और सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैंने इसमें डाल दिया है 4 टेबलस्पून, नॉट 2 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून दही, टमाटर 3, वो जो प्याज हम भून रहे थे वो, और कोथमीर पीसी हुई और मिर्ची पीसी हुई. अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर और नमक. तो मैंने इसमें डाल दिया है 2 टीस्पून या तो 1 बड़ा टेबलस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर और 1 बड़ा स्पून या तो फिर 2 टीस्पून गरम मसाला. ओके, और दही मैंने डाला है 4 टेबलस्पून नहीं, करेक्शन, 5 टेबलस्पून दही. ओके, तो ये अभी भून रहा है, इसे अच्छे से भून लीजिए, इसका तेल छूट जाए जब तक. इट शुड बी नाइस एंड यू कैन स्मेल इट. एक्चुअली कच्चे मसाले और पके हुए मसाले की अलग एक स्मेल होती है, तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट फ्रॉम दैट स्मेल. ओके, एंड डोंट माइंड द मेसी किचन, बिकॉज़ टुडे इज ईद. ओके, तो काफ़ी टाइम हो गया, एक्चुअली आई कुड टेक अ ब्रेक. दिस इज गोना लुक लाइक दिस. जब आपका भुना तैयार हो जाए, आप बाकी जो वेजिटेबल्स हैं उसमें मिला दीजिए, आलू फ्राइड करके जो हमने साइड में रखे हुए हैं वो भी मिला लीजिए, एंड जस्ट मिक्स इट अप. फिर उसके बाद आपको आधा किलो चावल, बिकॉज हम ये छोटा क्वांटिटी बना रहे हैं, तो आधा किलो चावल उबाल के विद लॉन्ग इलायची एंड 1 or 2 दालचीनी, थोड़ा सा तेल डाल के उसे भून के आप, आई लुक सो बैड, उसे आप जब उबाल रहे हैं, जब वो ऑलमोस्ट 3/4 पक जाए चावल, आप उसे उतार लीजिए. डोंट लेट इट कुक कम्प्लीटली, थोड़ा सा मतलब वो जो फूल जाता है, फिर आप उसको निकाल के, चावल को निकाल के, निथार के, पानी आप जैसे निथारते हैं, जस्ट रिमूव द वाटर आउट ऑफ द राइस एंड मेक श्योर इट्स लाइक दिस, छुट्टा छुट्टा चावल, एंड देन ले इट आउट सो दैट यू कुड गेट मेक इट कोल्ड, एंड आफ्टर दैट वी आर गोना स्टार्ट लेयरिंग. सो क्योंकि ये क्वांटिटी कम है, वी स्टार्ट विद लेयरिंग इट विद घी. आपका जो पतीला है, आप उसे थोड़ा सा घी डाल के अपने उंगलियों से, साफ उंगलियों से ऑब्वियसली, उसको पूरा पतीले में आप घी डाल दीजिए, चारों कोने में, नॉट टू मच. ओके, जस्ट इनाफ कि आपका पतीला, क्योंकि जब आप दम पे रखें तो आपका पतीला चिटके ना, आपका चावल चिटके ना. ओके, फिर स्टार्ट विद द राइस, पतला लेयर नीचे आप डालेंगे ताकि आपका जो मसाला है वो जल ना जाए. बी केयरफुल नॉट टू बर्न योर हैंड, द राइस इज रियली हॉट. ओके, तो हमने इसमें थोड़ा सा कोथमीर, थोड़ा सा पुदीना बॉटम लेयर में डाला है, एंड नाउ आई विल पुट माय फर्स्ट लेयर ऑफ द मसाला, जिसमें मैंने काजू और जरदालू भी मिक्स कर दिया है. जरदालू होता है एप्रिकॉट्स, थोड़ा सा जस्ट फॉर द बॉटम लेयर, तो वो चावल में अच्छे से घुस जाए. ओके, फिर मैं डालूंगी फ्राइड अनियन, जो हमने डार्क ब्राउन अनियन ऑब्वियसली बिरयानी से पहले करके रखी हुई थी, वो प्रेप में होता है. बेसिकली अनियन और आलू आप पहले ही फ्राई करके निकाल लीजिए बिफोर यू स्टार्ट द मसाला. नाउ वी आर गोना स्टार्ट पुटिंग द चावल, पुट इट इन इक्वल लेयर्स, तो हर जगह अच्छे से मिक्स हो जाएगा. दिस इज माई फर्स्ट लेयर. इस लेयर पे फिर से हम डालेंगे पहले अपना मसाला, इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. मेक श्योर साइड्स में अच्छे से चले जाए, वरना वो राइस अच्छे से नहीं, मसाला नहीं जाता है. ओके, इतना मसाला हम लास्ट लेयर के लिए छोड़ेंगे. फिर इसके ऊपर हम फिर से रिपीट करेंगे कोथमीर, पुदीना एंड फ्राइड अनियन एंड लिटिल बिट ऑफ घी, एंड रिपीट द चावल
और लास्ट के ऊपर के लिए हम थोड़ा सा चावल बचा लेंगे बिकॉज और एक मसाले का लेयर बाकी है। ओके एंड रिपीट द लेयर एंड वन लिटिल राइस ऑन टॉप जस्ट टू फिनिश ऑफ द लुक एंड वो दम अच्छे से आ जाए मसाले को और चावल को एंड लास्ट अ लिटिल स्प्रिंकल ऑफ द प्याज ऑफ द कोथमीर एंड ऑफ द पुदीना नॉट टू फॉरगेट अ लिटिल बिट ऑफ घी एट द एंड एंड वोला वी आर गोइंग टू पुट दिस फॉर दम। इसे ढक के आप बिल्कुल धीमी आंच पे गैस पे रख देंगे एंड योर वेजिटेबल बिरयानी इज रेडी।